सपने में माँ दुर्गा, लक्ष्मी और अन्य देवियों का दर्शन होना खास संकेत देता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में सपनों के कई मायने माने जाते हैं। इन्हीं सपनों को हमारे भविष्य से भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि सपने एक तरह से जीवन के संकेत होते हैं, जो आने वाले अच्छे दिनों से लेकर भविष्य की विपदाओं तक के बारे में जानकारी देते हैं। सपने में गाय का दिखना हो, या कुछ खाते पीते दिखना, या सांप का दिखना, ऐसी कई तरह की चीजें हमें अपने भविष्य को लेकर खास इशारा करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सपने में देवी देवताओं का दिखना भी हमें भविष्य से जुड़े कई तरह के इशारे करता है। जानकारों की माने तो सपने कभी भी यूं ही नहीं आते। यहां तक कि चिकित्सा शास्त्र के अनुसार भी ये हमारे मन में चल रही बातों का परिणाम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वप्न शास्त्र की माने तो यह शुभ, अशुभ या जीवन में आने वाले परिवर्तनों के संकेत भी देते हैं। इसी तरह सपने में दिखने वाली अलग अलग चीजों का अलग अलग अर्थ होता है। मान्यताओं के अनुसार देवियां हमें सपने में आकर भविष्य के प्रति अच्छे संकेतों या हमारे द्वारा किए जा रहे कुछ गलत कार्यों के परिणामों का संकेत देती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यदि आपके सपने में देवी दुर्गा दिखाई देती हैं, तो इसका दिखना अत्यंत शुभ होता है। स्वप्न शास्त्र की माने तो अगर देवी माँ लाल रंग के वस्त्रों में मुस्कुराती हुई दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। और यह है किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अविवाहितों की शादी हो सकती है, विवाहितों को संतान सुख मिल सकता है, वहीं बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकता है। अगर वहीं देवी दुर्गा आपको सिंह पर सवार दिखे और सिंह दहाड़ रहा हो, यह सपना आने वाली कुछ समस्याओं की ओर इशारा करता है। ऐसे में उपाय के तौर पर हमें देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आने वाली परेशानियों का निवारण हो सके। दोस्तों, यदि सपने में माँ लक्ष्मी जी दिखाई दे, तो स्वप्न शास्त्र में भी देवी लक्ष्मी को विशेष स्थान दिया गया है। ऐसे में सपने में माँ लक्ष्मी का दिखना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता के अनुसार किसी को सपने में माँ लक्ष्मी के दर्शन होना धन लाभ का भी संकेत देता है। यही नहीं, अगर आप बिजनेस अर्थात व्यापार करते हैं, तो उसमें मुनाफा भी हो सकता है। दोस्तों, यदि देवी पार्वती आपके सपने में आती हैं, तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार माता पार्वती के सपने में दर्शन देने का अर्थ है कि आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलने वाली है। शिक्षा या व्यवसाय, जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, वहां आपको तरक्की मिलने वाली है। दोस्तों, माता रानी के बहुत से रूप हैं, जिनमें से माँ काली का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। माँ काली का सपने में दर्शन होने का अर्थ ना ही शुभ होता है और ना ही अशुभ। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में माँ काली को देखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आपको किसी बात का डर है। कहते हैं कि देवी भगवती के इस रूप का दर्शन होना इस बात का संकेत है कि आप किसी बात को लेकर बेहद परेशान हैं। जीवन की कोई गुत्थी सुलझ नहीं रही है। यही वजह है कि देवी माँ के इस स्वरूप के दर्शन होते हैं। परंतु यदि सपने में देवी माँ काले वस्त्रों में दिखे, तो शुभ नहीं माना जाता। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक यदि देवी दुर्गा आपको सफेद या काले रंग के वस्त्रों में दिखे, या रोते हुए या फिर दुखी दिखाई दे, तो ये शुभ संकेत नहीं है। इसका अर्थ है आपका खराब समय शुरू होने वाला है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप देवी माँ का स्मरण करें, शुभ कर्म करें, ताकि खराब वक्त से निपटने की हिम्मत मिले। इससे उपाय के तहत आप महिलाओं को पूरा सम्मान दें, बेटियों को प्यार दें, साथ ही देवी माँ का मंत्र अपने मन में उच्चारण करते रहें। ये मंत्र कोई भी हो सकता है। सबसे प्रचलित मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसके अलावा दुर्गा सप्तशी व दुर्गा चालीसा करने से भी आपको राहत प्राप्त हो सकती है। जय माता दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए
तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।